आचार संहिता लगने के एक घंटे के भीतर बुजुर्ग थाने में बंदूक जमा करने पहुंच गए। पुलिस उनकी सजगता देख खुश हो गई। अधिकारियों ने बुजुर्ग को कुर्सी पर बैठाकर फूल मालाएं पहनाई। गंजेपन से पाए छुटकारा मात्र 5,999 रुपए में। री हेयर ट्रांसप्लांट द्वारा साथ ही पाए 30% ऑफ ऑन ऑल हेयर फिक्सिंग। तो जल्दी संपर्क करें। मामला ग्वालियर जिले के बेहट अनुविभाग का है। उटीला थाना के बुजुर्ग बालकृष्ण गुर्जर पिता ज्वाला प्रसाद उम्र 85 वर्ष निवासी उटीला लकड़ी टेकते हुए थाने पहुंचे। उनके हाथ में बंदूक थी। पूछने पर बताया कि आचार संहिता लग गई है इसलिए शस्त्र जमा करने आए हैं। इसी तरह अन्य बुजुर्ग भी थाने पहुंचे। बुजुर्गों की सजगता देख SDOP बेहट संतोष पटेल, SDM ग्रामीण SK त्रिपाठी और SDM लश्कर नरेश गुप्ता ने थाना परिसर में सभी बुजुर्गों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। करवा देंगे, बैठो 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 इधर आ। तुम इधर नहीं आप बैठो बैठो आप बैठो ये जो रसीद काटे मैडम प्रॉपर शुरू कर। कहाँ आयो दादा ये बताओ आप, कहाँ आए, कहाँ आए, के लिए आयो, किस काम के लिए आयो? बंदूक क्यों जमा कर रहे हो? आचार संहिता। कितने बजे से लागू हुई है आचार संहिता? आचार संहिता 1:30-2 बजे थी। नहीं, 3 बजे लागू हुई है। अभी कितने बज रहे? 5 बज रही है। तो बड़ी जल्दी आ गए, ऐसा क्यों मन किया कि इतनी जल्दी आ जाए? आपको अच्छा, मतलब आपका, मुझे लगता है कानून कायदे में रहने से फायदे में रहता ना आदमी। इसके बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। गांव वाले आगे आए और ढोल बजाकर सभी को आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए सूचित किया। जैसी आदर्श आचार संहिता लागू हुई तो हमारे उटीला थाना के जो वरिष्ठ नागरिक थे लगभग 81 से 85 साल के, उन्होंने एक नवाचार दिखाया और तत्काल स्वयं से स्वेच्छा से अगले एक घंटे बाद अपने हथियार थाने में जमा कराए। तो हमारा भी फर्ज बनता था कि ऐसे वरिष्ठ नागरिकों का हम सम्मान करें। तो हमारे साथ SDM साहब थे और हमारे थाना प्रभारी थे और पंचायत से हमारे सचिव साहब थे। तो सभी लोगों ने, हम लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद गांव के लोग आगे आए, उन्होंने ढोल बाजे के साथ प्रशासन के साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकाला और जहां भी पोस्टर बैनर थे उन लोगों ने स्वेच्छा से हटाए। तो आदर्श आचार संहिता पे जिस तरह से लोगों ने स्वागत किया वो बड़ा ही सराहनीय कदम था। और हमारा सभी से आग्रह है कि तत्काल अपने हथियार संबंधित थाने में जमा कराएं और जो आदर्श आचार संहिता के नियम है उनका पालन करें। आज आचार संहिता की लागू हो गई है, उसके तहत हम लोगों ने आज पुलिस और प्रशासन के सहयोग से पूरा ग्राम में फ्लैग मार्च निकाला। लोगों को समझाई थी कि MCC का पालन करें, कोई भी किसी प्रकार का आपसी विवाद नहीं करें, चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो, उसके लिए सब लोगों को समझाई थी। तथा कुछ लोगों ने आज स्वेच्छा से अपने शस्त्र भी जमा किए हैं, उन सभी को सम्मान भी किया है कि वो निर्वाचन के नियमों का पालन कर रहे हैं, स्वेच्छा से अपने शस्त्र जमा कर रहे हैं। उसके बाद कलेक्टर साहब ने एक शस्त्र जमा करने के लिए शस्त्र लाइसेंस का निरस्तीकरण का एक आदेश जारी कर दिया 144 के तहत। तो सभी को निर्देश भी दिए गए हैं कि वो तत्काल अपने शस्त्र जमा करें और आचार संहिता का पूर्णतः पालन करें, यदि कोई उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गंजेपन से पाए छुटकारा मात्र 5,999 रुपए में। री हेयर ट्रांसप्लांट द्वारा साथ ही पाए 30% ऑफ ऑन ऑल हेयर फिक्सिंग। हमारा पता है फेसिया फैमिली सैलून, महाराष्ट्र बैंक के सामने, दिल्ली रोड, सागर। हमारा मोबाइल नंबर है 7692969387, 8770380207। तो जल्दी संपर्क करें।